ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और इसका गहन आध्यात्मिक महत्व है। इसके दो व्यंजन अर्थात अक्षर गु और रू के अर्थ इस प्रकार से हैं। गु शब्द का अर्थ है अज्ञान, जो कि अधिकांश मनुष्यों में होता है। रू शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का तेज। जो आध्यात्मिक अज्ञान का नाश करता है उसी को गुरु कहते हैं, जो मानव जाति के आध्यात्मिक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं और उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, वही सही मायने में गुरु कहलाते हैं। वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वो महिमा सच्चाई की है, दम्भ पाखंड की नहीं। आजकल भारत में सांसारिक अथवा पारमार्थिक ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। गुरु की 5 श्रेणियां होती हैं। 1 शिक्षक, जो स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। 2 आचार्य, जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। 3 कुलगुरु, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संस्कार ज्ञान देते हैं। 4 दीक्षा गुरु, जो परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के आदेश पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा देते हैं। 5 गुरु, वास्तव में यह शब्द समर्थ गुरु अथवा परम गुरु को दर्शाता है। गुरु का अर्थ है महान, ज्ञान सभी से भारी है अर्थात महान है। अतः पूर्ण ज्ञानी चैतन्य रूप पुरुष के लिए गुरु शब्द प्रयुक्त होता है और उसकी ही स्तुति की जाती है। गुरु दत्तात्रेय, गुरु नानक देव, त्रैलंग स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, सद्गुरु स्वामी समर्थ, साईं बाबा, संत कबीर और सभी साधु संत आदि सच्चे गुरु कहलाते हैं। हर मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं, परंतु संकट और परिस्थिति मनुष्य के परम गुरु माने जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शिक्षक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही सूत्र अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होता है। अध्यात्म सूक्ष्म स्तरीय विषय है अर्थात बुद्धि की समझ से परे है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मार्गदर्शक अथवा गुरु कौन है यह निश्चित रूप से पहचानना असंभव होता है। किसी शिक्षक अथवा प्रवचनकार की तुलना में गुरु पुनर्तः भिन्न होते हैं। हमारे इस विश्व में वे आध्यात्मिक प्रतिभा से परिपूर्ण दीपस्तंभ समान होते हैं। वे हमें सभी धर्म तथा संस्कृतियों के मूलभूत आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाते हैं। जिस प्रकार ईश्वर द्वारा निर्मित मनुष्य एवं प्राणी आदि को मन एवं बुद्धि होती है, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा निर्मित संपूर्ण विश्व के विश्वमन और विश्व बुद्धि होती है। इसलिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र के मार्गदर्शक को उस क्षेत्र का प्रभुत्व होना आवश्यक है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का अध्यात्म शास्त्र में अधिकार एवं प्रभुत्व होता है उसे गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से दृष्टिहीन और अज्ञानी समाज में प्रगत छठवीं ज्ञानेंद्रिय से संपन्न गुरु ही वास्तविक अर्थों से दृष्टि युक्त हैं। गुरु वे हैं जो अपने मार्गदर्शक की शिक्षा के अनुसार आध्यात्मिक पथ पर चलकर विश्व मन और विश्व बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। सर्वोच्च ईश्वरीय तत्व के विविध अंग होते हैं। ईश्वर के ये विविध अंग ब्रह्मांड में विशिष्ट कार्य करते हैं। ईश्वर का वह अंग जो विश्व को आध्यात्मिक विकास तथा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। इसे अदृश्य अथवा अप्रकट निर्गुण गुरु तत्व अथवा ईश्वर का शिक्षा प्रदान करने वाला तत्व कहते हैं। यह अप्रकट गुरु तत्व पूरे विश्व में विद्यमान है तथा जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ होता है। इस अप्रकट गुरु की विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन हमारे साथ रहकर धीरे धीरे हमें सांसारिक जीवन से साधना पथ की ओर मोड़ता है। गुरु हमें अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुसार अर्थात ज्ञान ग्रहण करने की हमारी क्षमता के अनुसार, चाहे वो हमें ज्ञात हो या न हो, मार्गदर्शन करते हैं और हम में लगन समर्पण भाव जिज्ञासा दृढ़ता अनुकंपा दया जैसे गुण कौशल विकसित करने में जीवन भर सहायता करते हैं। ये सभी गुण विशेष कौशल अच्छा साधक बनने के लिए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में टिके रहने की दृष्टि से मूलभूत और महत्वपूर्ण हैं। जिनमें आध्यात्मिक उन्नति की तीव्र लगन है उनके लिए गुरुतत्व अधिक कार्यरत होता है और उन्हें अप्रकट रूप में उनकी आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।